नमस्कार, मैं हूं दिबांग और हम बात करेंगे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नी ऑफ आम आदमी पार्टी बड़ा हम हिसाब लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे आपने एलजी से परमिशन ले ली है यहाँ आने की नहीं मुझे उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती आपको पक्का मालूम है कि कोई जरूरत नहीं है नहीं कोई जरूरत नहीं है अच्छा, पर ये... आपका सवाल मैं समझ रहा हूं मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जब जब एल साहब की तरफ से कोई फरमान आता है कोई काम में अड़चन लड़ाई जाती है कोई लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो मैं सोचता हूँ हम लड़ते क्यों हैं हम मिलके काम क्यों नहीं कर सकते ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तो दिल्ली भी आगे नहीं बढ़ेगी देश भी आगे नहीं बढ़ेगा हम सब लोग मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते जी पर ये जो लड़ाई है हक की लड़ाई लोगों की अच्छाई की लड़ाई ये तो बात समझ में आती है जिस तरह की एम से खबर आ रही है वो तो लड़ाई नहीं वो तो एक तरीके से हाथापाई हो रही है आज भी इस तरह की घटना हुई है दुख होता है अब आप देखो हमें 134 सीट मिली एमसीडी में सबके सामने है उनको 104 सीट मिली सबके सामने है हमें बहुमत मिला तो मेयर तो हमारा बनना ही चाहिए मतलब मेयर का चुनाव ही नहीं कराया इन्होंने ढाई महीने हो गए मेयर का चुनाव नहीं कराया डिप्टी मेयर तो हमारा होना ही चाहिए स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए जायज है आपने पंद्रह साल राज किया, अब जैसे हालात वो हो गए हैं जैसे अमेरिका में ट्रम्प साहब जब चुनाव हार गए थे और उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि व्हाइट हाउस को घेर लिया कहते हैं मैं चुनाव नहीं मानता मैं ये नहीं मानता बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ा वही हालात इन्होंने कर रख किए कि, कि कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते तो ये गुंडागर्दी अच्छी नहीं है जनतंत्र के अंदर जनता ने आपको पंद्रह साल मौका दिया आपने अच्छा काम किया बुरा काम किया ये जनता तय करेगी जनता ने तय किया भई अब बदलाव होना चाहिए दिल्ली में उन्होंने अब एक मौका हमें दिया अब हमें काम करने दो काम के क्यों अड़चन अड़ा रहे हो इस तरह से ना मेयर का चुनाव नहीं होने देंगे एल्डरमैन जबरदस्ती बना देंगे गलत तरीके से एल्डरमैन बना दिए गलत तरीके से हाउस नहीं हो चलने दे रहे ये ठीक नहीं है गुंडागर्दी ठीक नहीं है जी ये जो मेन टॉपिक है इस पर मैं आऊँगा उससे पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से पूछताछ चल रही है और हर बार ये होता है कि इस बार कोई एक्शन होने ही वाला है मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ क्या आपको अप्रीहेंशन है इस पे? उनको संडे को बुलाया है सीबीआई ने और जो सूत्र हैं हमारे जैसे आपके सोर्सेज होते हैं अच्छा। वैसे हमारे भी सोर्सेज होते हैं <laughs> तो वो सोर्सेज बताते हैं कि उनको संडे को गिरफ्तार करेंगे ये लोग ऐसा बता रहे हैं ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं कि संडे को गिरफ्तार करेगी सी बी आई मनीष सिसोदिया जी को बड़े दुख की बात है मनीष सिसोदिया पे रेड मार ली कुछ नहीं मिला उनके बैंक अकाउंट देख लिए उनके घर पे रेड मार ली उनके लॉकर देख लिए दफ्तर में रेड मार ली उनके गाँव में भी हुआ है कि कहीं जमीन खरीद रखी हो कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने पचहत्तर साल के आज़ादी के पचहत्तर साल के बाद इस देश के गरीब आदमी को ये उम्मीद दी है कि उसके बच्चों का भी अच्छा भविष्य हो सकता है आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं वकील बन रहे हैं बहुत बड़ी उम्मीद दी है मनीष सिसोदिया ने उसको गिरफ्तार करके अगर आप जेल में डाल दोगे ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करके झूठे केस में फंसा के अगर जेल में डाल दोगे देश कैसे तरक्की करेगा अगर किसी देश का राजा उस देश में गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वालों को तो जेल में डाल देगा और चंद दो चार दोस्तों को पूरा देश उनके सुपुर्द कर देगा तो वो देश कैसे तरक्की करेगा बहुत सारे सवाल इससे मेरे दिमाग में आ रहे हैं लेकिन जो आज का टॉपिक है अगर उसी पर आए एक्स्ट्रॉन जर्नी ऑफ आम आदमी पार्टी आ, ये जो आपका सफर रहा इसमें बात चुकी मनीष सिसोदिया की हो रही है कितना महत्वपूर्ण रहा मनीष सिसोदिया का रोल इस पूरी इस पूरे सफ़र में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं कि मनीष सिसोदिया से मेरी मुलाकात सबसे पहली मुलाकात कब हुई उनतीस दिसंबर दो उन्नीस को मैं उस टाइम इनकम टैक्स में काम करता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और चारों तरफ जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार है उसको लेके काफी अंदर पीड़ा होती थी चूंकि मैं सरकार में काम कर रहा था मैं इस तरह की कोई एनजीओ बना नहीं सकता था तो मैंने पीठ पीछे रह के एक एनजीओ बनाई जिसमें मेरे दोस्त सामने थे और मैं पीठ पीछे था परिवर्तन नाम की एन और हमने ऐलान किया कि इनकम टैक्स के अंदर कोई रिश्वत मांगे तो आप इस वेबसाइट पर बताना हम आपका काम बिना रिश्वत के करा देंगे तो मेरे दोस्त आगे रहे कोई लोगों को अगर उस टाइम पता चल जाता कि ये केजरीवाल चला रहा है वेबसाइट तो मेरे तो गला गर्दन काट दी जाती इनकम टैक्स विभाग के अंदर रहते हुए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स का ये ऐलान करता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे इस विभाग के अंदर तो मेरे को बता देना तो वो मेरे दोस्त आगे थे तो एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट परिवर्तन डॉट कॉम उस वेबसाइट पे हमने कहा कि जो जो लोग वॉल्टियर करना चाहते हैं इसके ऊपर वॉल्टियर कीजिए आप अपना नाम पता डाल दीजिए उसके वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला वॉलंटियर रजिस्टर करने वाला मनीष सिसोदिया था अच्छा। उस वेबसाइट पे 1999 29 दिसंबर को मैंने वेबसाइट बनाई थी। एक आध दिन के अंदर पहला नाम आया हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे वेबसाइट को प्रचार करने का उसे पता नहीं कहां से पता चला उसने रजिस्टर किया मनीष सिसोदिया तो बड़ा खुशी हुई कि एक आदमी ने हमें कोई आता ही नहीं था छोटे से लोग थे कौन जानता था हमें तो मैं मुझे याद है मैं उसके घर गया अच्छा और उसका ये पटपड़गंज के आसपास कौन सा वो एरिया है वहाँ पे उसका घर होता था एक कमरे का घर था उसी में किचन थी वो जी न्यूज़ में काम किया करते थे और ऊपर छत के ऊपर मैं और उसने बैठ के हमने चर्चा की कि परिवर्तन को आगे तो उन्नीस से जर्नी शुरू हुई थी मेरी उन्होंने ससोदिया की आज तेईस साल हो गए और हमारी दोस्ती कायम है और भगवान करे इस दोस्ती पे किसी को किसी की नज़र ना लगे जी और कौन से अगर आप देखें तो कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं इस सफर में अगर तीन बड़े पड़ाव आप अगर देखना चाहें आम हमने कभी से. सोचा नहीं था हम एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उसी की, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग जितने भी हमारे इसमें आम आदमी पार्टी में इनकम टैक्स की नौकरी के बाद फिर मैंने एनजीओ परिवर्तन फिर छुट्टी ले ली फिर नौकरी छोड़ दी फिर अन्ना आंदोलन में आ गए कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राजनीति में जाएंगे और जो एक मिडिल क्लास का एक वो होता है ना कि राजनीति बड़ी गंदी है कीचड़ है हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे ये गुंडों का काम है राजनीति में तो गुंडे आते हैं गर, गलत लोग आते हैं भ्रष्टाचारी आते हैं ये फीलिंग हमारे अंदर भी थी लेकिन अन्ना आंदोलन जिस तरह से आके एकदम डेडलॉक बन गया और उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल पास करना है तो अपनी पार्टी बना लो उस डेडलॉक से का समाधान राजनीति में आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा हम लोगों के पास और हम लोगों ने पार्टी बनाई और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद उम्मीद नहीं थी कि एक साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी हाँ तो कई बार मैं ये सोचता हूँ ये जो कुदरत है जिसे आप भगवान कह लीजिए जो मर्ज़ी कह लीजिए शक्ति जो है ये नेचुरल शक्ति ये बड़ी पावरफुल है आपको मैं बताता हूँ चार अप्रैल 2011 को अन्ना हज़ारे जी जंतर मंत्र पे आके बैठे हैं लोकपाल बिल के लिए पहली बार जी तो मैं इनवाइट करके आया था अन्ना हजारे जी को वहाँ पे तो उसके लिए हमें वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी थी और मैं मनीष सिसोदिया जी उस टाइम कुमार विश्वास भी हमारे साथ होते थे हम सब मिलके चार अप्रैल का था तीन दो अप्रैल को हम बैठ के ये सोच रहे थे कि 500 लोग आ जाएंगे क्या कहाँ से लाए 500 सौ लोग आएंगे ऐसी भी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को हुँ. और चार अप्रैल को ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया इतना बड़ा बन गया तो कुछ तो चमत्कार कर रहा था ऊपर वाला हुँ. उसके बाद 16 अगस्त को जब अगस्त क्रांति हुई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी पूरा देश खड़ा हो गया इस देश की गली गली के अंदर लोग कैंडल मोमबत्ती लेके निकल रहे थे हमें तो उम्मीद ही नहीं थी फिर जब पार्टी बनाई हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सारे पत्रकार कहते थे सब कहते थे इन सब की जमानत जब्त तो होगी केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए वो ये नहीं कहते थे जीतेगा वो कहते थे केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए और 28 सीट आ गई हमारी और अगली बार सड़सठ सड़ सीट आ गई हमारी तो कई बार जब मैं सोचता हूं मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाला कुछ करवाना तो चाह रहा है हम लोगों से ऊपर वाले के अलावा अगर हम खोजना चाहें तो क्या आपको लगता है कि आपको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है नहीं मुझे बहुत भरोसा है मुझे बहुत भरोसा है पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले के और भी बहुत सारे काम रहते होंगे इसके अलावा भी और चीजें होंगी जो जुड़ी होंगी आम आदमी पार्टी से कर्म लगता है कर्म करते जाओ ईमानदारी से कर्म करो निस्वार्थ भाव से कर्म करो अपने लिए मत काम करो दुनिया के लिए काम करो दुनिया के लिए जीवन समर्पित कर दो बाकी ऊपर वाला कर लेता है बाकी जो गीता में लिखा है ना कर्मण्य का रस्ते माँ फलेशु कदाचना ये कोई एक बहुत पावरफुल है ये। अगर आप सही नीयत से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं फिर ऊपर वाला डिसाइड करता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको आगे की दिशा फिर ऊपर वाला दिखाता है कई मौके ऐसे आए हमारे पूरी जर्नी के अंदर जब ऐसा लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया अब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जैसे जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ हमें तो पता ही नहीं था अब आगे क्या होगा कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा हम तो लोकपाल नहीं बनाते जो करना कर लो अब राजनीति में आने का फैसला बहुत ही मुश्किल फैसला था और कहीं उम्मीद नहीं थी कि हम पार्टी बनाएंगे और सरकार बन जाएगी मतलब ये तो सोचना ही बिल्कुल बे बेवकूफी थी उस टाइम तो ऐसे लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया फिर उनचास दिन की सरकार बनी उनचास दिन की सरकार के बाद जब इस्तीफा दिया मैं वाराणसी जाके चुनाव लड़ा वहां से हार के आया एक बार लगा सब कुछ खत्म हो गया बिकॉज उस टाइम बीजेपी का ऐसा चारों तरफ मोदी जी पहली बार आए थे हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारी सरकार भी बनेगी और 67 सीट्स आ गई तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है मेरी जो भी शक्ति है उसके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा टूट किया है कि काम करते जाओ अपने लिए मत करो ये बात मैं आपकी मान लेता हूं पर और अगर मैं इससे विस्तार से देखना चाहूँ जिद करूं तो एक दो ऐसे नेता दो ऐसे लड़के थे जो ईमानदार दिखाई दे रहे थे युवा हैं दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो एक तरीके से बदनाम हो चुकी हैं जिन पर कोई ना कोई बैगेज है एक बदलाव चाहती थी जनता एक नयापन कुछ चाहती थी फिर अन्ना हजारे जी का अनशन भी था तो ये सारी चीजें भी तो लोगों के दिमाग पर रही लोगों ने इस पर भी तो ध्यान दिया उसको तो आप गौड़ नहीं करते नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वो सारी परिस्थितियां थी पर जैसा मैंने कहा अन्ना आंदोलन का इतना बड़ा बनना इतना बड़ा बनना मैं तो आपको अपने सारे इंसिडेंट्स की चार अप्रैल को अन्ना जी को जंतर मंतर पे आना था और दो अप्रैल को उस उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि 500 आदमी कहाँ से आएंगे और अचानक इतना बड़ा बन जाता है 16 अगस्त को जबकि उनका जो पैनल था जो पैनल उन्होंने लोकपाल बिल बनाने के लिए उन्होंने हमें ठोकर मार के भगा दिया था कि जो करना है कर लो और 16 अगस्त को इतना बड़ा आंदोलन में और उसके बाद फिर बॉम्बे में आंदोलन फिस हो जाता है चार महीने के बाद जब हम बॉम्बे आए तेईस दिसंबर आ, को बॉम्बे भी आंदोलन फुस हो गया बिल्कुल सो so, चलिए ये अगर हम देखें तो दिल्ली है ही आपके पास दूसरी बार भी दिल्ली रही पंजाब में आपने दरवाज़ा खोला गुजरात में भी आपने खिड़की विडकी खोल दी है आगे और आप कहाँ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम चारों तरफ फैलना चाहिए मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि मैं अब ये स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा मेरी इच्छा एक ही है मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूँ और यह मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ और मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि मेरे को तब तक मौत ना आए जब तक भारत को मैं नंबर वन देश ना देख लूँ और उसको करने के लिए मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं अब मध्य प्रदेश भी जीतूंगा और राजस्थान भी जीतूंगा और ये भी जीतूंगा और वो भी जीतूंगा ये जो मौजूदा पार्टियाँ हैं ये अच्छा काम कर लें मैं बार बार कहता हूँ हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बचपन से मेरे को याद है आठवीं क्लास से दसवीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ हंड्रेड परसेंट लिटरेसी हो गई वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है सुन रहे हैं बचपन से है ना अगर केरला में इतने अच्छा तो तब अभी तक तो, तो बाकी देश को वहां से सीख के कर लेना चाहिए था केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया समझ नहीं आता उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का सम... हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते मेरे को तो समझ ही नहीं तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई दिल्ली के अंदर हमने स्कूल अस्पताल बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूं और आप सीखो वोट लो शिक्षा के ऊपर वोट लो स्कूल सुधारो जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा आप लो वोट आपको मैं वोट दिलाने में आ रहा हूं आपको वोट दिलाने काम कर लो और नहीं करेंगे तो फिर हम भी ट्राई करेंगे फिर वहां जाकर मैं आगे बढ़ूंगा राजनीतिक सवालों पर उससे पहले परिवार का कितना सहयोग था आपने ये जो यात्रा की आम आदमी पार्टी ने जो यात्रा की उसमें आपके लिए आपके परिवार का कितना सहयोग रहा मैं अपने परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खासकर मेरी धर्मपत्नी को और मेरे पेरेंट्स को उन्हें इतना मेरी धर्मपत्नी को इतना सरफिरा पति मिला और <laughs> वो आज तक मुझे निभा रही है आ. ये मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ इस दौरान वो अगर देख रही होगी तो वो बड़ी नाराज़ भी होगी जब मैंने 2000 में परिवर्तन शुरू किया फिर मैंने डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने छुट्टी ली बहुत लंबी विदाउट पे फिर जब छुट्टी ली बहुत विदाउट पे दो तीन साल छुट्टी पे रहा फिर उसके बाद मुझे लगने लगा यार अब कब तक छुट्टी लूँगा मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए तो एक दिन जाके मैंने मुझे पता था कि अगर मैं घर में ये बात भी डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स तब तक जॉइंट कमिश्नर बन गया था जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अगर घर में आके कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्यों दे रहा है भाई इस्तीफा तब तक तो किसी राजनीति में भी नहीं आए थे तब तक तो आ, पार्टी भी नहीं बनाई थी किसी को पता नहीं था कभी मुख्यमंत्री बनेगा ये तब तक मैं दिल्ली की झुग्गियों में सुंदर नगरी और नंदनगरी की झुग्गियों के अंदर में रहता था वहाँ काम किया करता था तो अगर घर जाके कोई कहे कि जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स छुट्टी पे उसने बिचारी ने मेरे को अलाउ कर दिया यही बहुत था और मैं जाके मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ तो तो इस्तीफा तो दे आया डिपार्टमेंट में इनकम घर Tax में बिना बताए घर में बिना बताए वाकई में सर फिर पति है ये तो हाँ। <laughs> अब हुआ ये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनकम टैक्स का वहां पे इस्तीफा देना होता है मैंने वहां इस्तीफा दिया जिस क्लर्क को मैंने इस्तीफा दिया मेरी वाइफ भी इनकम टैक्स में मेरी बैचमेट जिस क्लर्क को मैंने इस्तीफा दिया वो क्लर्क बाय चांस पिछले साल मेरी वाइफ के अंडर में काम कर चुका था उसने फोन किया उनको अच्छा आज आपके हस्बैंड इस्तीफा दे गए मैडम क्यों इस्तीफा दिया अब मेरी वाइफ का बार आप सोच सकते हो कि उसका हस्बैंड इस्तीफा दे के आया और उसको पता किसी और से चल रहा है कि उसका हस्बैंड इस्तीफा दे आया तो उन्होंने दो महीने मेरे से बात नहीं की उन्होंने कहा इस्तीफा देना था मुझसे पूछ तो लेता <laughs> तो उनका बहुत साथ रहा बहुत सहयोग रहा उन लोगों का और मैं ये तो दिल्ली जाना अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एल जी भी बैठे हुए हैं और घर में पत्नी <laughs> <हैं>। <laughs> नहीं, नहीं, उनका बहुत सहयोग है और पिलर। जी, आपने कहा और दूसरे सवालों पर बढ़े तो आपने कहा कि सब क्यों नहीं एक साथ आ जाते आपने यहाँ मुंबई में आज मुलाकात की उद्धव ठाकरे से क्या ये 2024 की कोई कोशिश है कैसे देखते हैं आप देखिए इस देश में एक पार्टी ऐसी है जो 24 घंटे केवल चुनाव की सोचती है उसे देश से कुछ लेना देना नहीं है इस देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है हम 24 घंटे चुनाव के बारे में नहीं सोचते हम देश के बारे में सोचते हैं तो उद्धव जी से मैं मिला चुनावों के बारे में चर्चा नहीं हुई चर्चा हुई इस देश के अंदर इतनी बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बेरोजगारी के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में किस तरह से इस देश के अंदर चंद कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचा के जनता का सारा पैसा लूटा जा रहा है उसके बारे में किसानों के बारे में इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई कैसे हम सब मिलके हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए देश को कैसे आगे लेके जाना चाहिए इसके बारे में चर्चा हुई जिस तरह की स्थिति है महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति में है इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी अब तो उनसे निशान भी छिन गया है आपको क्या लगता है कि वो फिर से कुछ कर पाएंगे इसका कोई असर होगा या आपको लगता है कि नहीं इसका बिल्कुल उलट असर होगा उनके पिताजी शेर थे शेर का बेटा है वो उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने पार्टी चोरी करके भाग गए सिंबल चोरी कर लिया झंडा चोरी कर लिया पर चोर तो चोरी होता है ना चोर शेर थोड़ी बन सकता है अच्छा। शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा हाँ। मेरे को लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने उद्धव जी के साथ किया है पूरे महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है पूरे महाराष्ट्र की जनता का प्यार उनकी सिंपथी उनका सपोर्ट उनके साथ है एक बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने बात की वो इंडियन बैंक की रिपोर्ट है हम देख रहे हैं कि जो <coughs> बैंक्स हैं LIC है 80000 करोड़ रुपया है यानी करोड़ों लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है आम लोगों का पैसा लगा हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक बैंक इस इस तरह के बैंक शामिल हैं पर कोई जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें आप लोग जमीन पे नहीं उतर रहे हैं इस पर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्या सर हम जो भी कर लें आप लोग दिखाते ही नहीं हो अ <laughs> चक, चक्कर ये नहीं है कि कई लोग ये कहते हैं विपक्ष कुछ नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष बेचारा जो मर्जी कर ले आप लोगों को दिखाने नहीं दिया जाता आप लोग तो अच्छे हो पर वो दिखाने नहीं देते आप लोगों को बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर भी तो लेकिन जनता देख रही है एक एमरजेंसी भी आई थी सेवेंटीज़ में जब प्रेस भी सेंसरशिप की उन्होंने सब कुछ किया लेकिन जिस दिन जनता खड़ी होती है ना समय समय का फेर है इतिहास के अंदर बहुत लोग ऐसे आए जिनको ये लगा कि वो ऑल पावरफुल हैं वो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए ऐसा होता नहीं है समय का खेल है धैर्य रखो पेशेंस रखो पेशेंस से सब कुछ होता है अब दिल्ली के अंदर आजकल ये नगर निगम का देख रहे हैं आप चल रहा है। एक साल पहले दिल्ली को मेयर मिल जाना चाहिए था दिल्ली नगर निगम को सरकार मिल जानी चाहिए थी एक साल से तमाशा कर रखा है इन्होंने पहले चुनाव नहीं होने दिए फिर बोले एम को एक कर रहे हैं एम को एक करने का बिल ले आए पार्लियामेंट का दुरुपयोग किया सारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया फिर गुजरात के साथ चुनाव कराएंगे डिलिमिटेशन में गड़बड़ की इन लोगों ने पर अंत में तो सच्चाई की जीत होती है ना जनता के साथ वोट तो जनता ने देना है ना तुम जो मर्जी कर लो तो उसी तरह से ये लोग जो मर्जी कर लें क्या आपको लग रहा है अडानी पर मैं अगर रहूं तो क्या आपको लग रहा है कि जो आम निवेशक है जिसने बैंक में पैसा द, जमा किया हुआ है वो आज सुरक्षित है आप कैसे देखते हैं इस पूरे को? ये बहुत चिंता का विषय है जिस तरह से लेफ्ट राइट एंड सेंटर पॉलिटिकल कारणों की वजह से बिना होमवर्क किए कुछ चंद लोगों को बैंकों ने और एल ने कर्जे दे दिए हजारों हजारों करोड़ के किसी को दस हजार करोड़ का दे दिया किसी को अस्सी हजार करोड़ का दे दिया किसी को डेढ़ लाख करोड़ का कर्जा दे दिया ये नहीं देखा कि भाई उसको कर्जा देने लायक है कि नहीं है उससे बदले में जैसे आप कोई किसान अगर कर्जा लेने चाहे तो उसको कहते हैं अपनी जमीन गिरवी रख इनमें से बताते हैं लोग कि कईयों से तो कोई कुछ भी गिरवी नहीं मांगा और जो गिरवी रखा उसकी आज कोई कीमत नहीं बची जो शेयर इन्होंने गिरवी रखे थे उसकी कोई कीमत नहीं बची जिस तरह से ये कर्जे दिए गए और जिस तरह से ये कर्जे माफ किए जा रहे हैं एक किसान अगर दस हजार रुपए का कर्जा ले ले किसी बैंक से और अगर वो वापस ना कर पाए तो उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग उसकी जिंदगी हराम कर देते हैं वो अंतिम अंत में सुसाइड कर लेता दस हजार रुपए लेने वाला किसान इन्होंने दस दस हजार करोड़ रुपए के एक एक लाख करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए या तो किसी को देश से भगा दिया या उसके कर्जे माफ कर दिए उनसे वापस नहीं लेते ये लोग तो बैंक 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 कंगाल हो रहे हैं आज पहली बार अखबार में छपा छा, है कि एल का भी जितने शेयर खरीदे थे वो इनके घाटे में जाने लग गए इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एल में डाली हुई है अगर एल कंगाल हो गई तो पूरे देश में क्या हाल होगा बैंकों के अंदर इन्होंने कानून बना दिया शायद ये कि भाई अगर किसी का बैंक का बैंक कंगाल हो जाता है तो आपने अगर एक करोड़ रुपया भी डाला हुआ है बैंक में जमा करा रखा तो आपको बदले में पांच लाख रुपए ही मिलेंगे ये क्या बात हुई ऐसे तो पहले कोई कानून नहीं था इन्होंने अब कानून इसका मतलब इनको लग रहा है कि बैंक कंगाल होने वाले हैं पहले से कानून ले आए कि अगर बैंक कंगाल हो गया आपका कितना भी पैसा बैंक में पड़ा हो आपको बदले में पांच लाख ये तो हद हो गई पूरी देश की जनता का पैसा जो है आप उठा के कुछ चंद लोगों के हाथ में दे रहे हो ऐसे देश कैसे चलेगा सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए कि सरकार को दो चार लोगों के लिए काम करना चाहिए तो यही तो सवाल अब पैदा होता है कि इस हालत में क्यों नहीं विपक्ष एक होता एक ही मैंने पिछली बार पूछा था आपने कि हम लोग मैं एक चीज बताता हूं देश हमारे देश में जनतंत्र है जनतंत्र मतलब जनता का शासन विपक्ष तंत्र नहीं है विपक्ष एक हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है जनता का एक होना इंपॉर्टेंट है और उस जनता की आवाज उठाने के लिए मीडिया के अंदर साहस आना इंपॉर्टेंट है जिस दिन ये जनता जो है इसको हम बेवकूफ ना समझें ये जनता बड़ी सियानी है देख रही है जिस दिन जनता खड़ी हो गई ना जनता ने बड़े बड़े सिंहासन हिला दिए विपक्ष एक होकर किसी को बना या बिगाड़ नहीं सकता जब तक जनता तैयार नहीं हो जनता तैयार हो रही है इस देश की जनता तैयार जनता बदलाव चाहती है आपने कहा कि आप विपक्षी एकता की बात होगी तो आप कार्यक्रमों की बात करेंगे कार्यक्रमों के साथ आप जुड़ेंगे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपकी पार्टी में तो ये देखिए संजय सिंह बैठे हुए हैं राघव बैठे हुए हैं क्यों नहीं आप लोग एक कार्यक्रम बनाते और कहते ये हमारा कार्यक्रम है बिल्कुल कोई सही है शुरुआत क्यों नहीं करते मैं राजनीति में नया आया हूँ लेकिन जो बेसिक चीज समझाऊं जब आप जनता से वोट मांगने जाते हैं जनता आपसे पूछते हैं जी आपको क्यों वोट दें आप दो जवाब देते हो एक जवाब देते हो मेरे को इसलिए वोट दो क्योंकि मैं मोदी को हराना चाहता हूं क्या जनता आपको वोट देगी आप दूसरा जब पूछ बो, बोलते हो मुझे वोट दो क्योंकि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा आपके बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा <latency> मुझे वोट दो क्योंकि आज अभी आपका बिजली कट लगता है आठ आठ घंटे बिजली जाती है मैं चौबीस घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा मुझे वोट दो क्योंकि आपके इलाके में पानी नहीं आता मैं आपके लिए घर के लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा जनता इसको वोट देगी कि उसको वोट देगी जो कहता है मैं मोदी को हरा दूंगा Obviously, इसको वोट देगी यार जो उसकी घर की बात करता है उसके बच्चों की बात करता है उसके परिवार की बात करता है सुख दुख की बात करता है तो हमें सबको मिलकर जब अगर 2024 की बात करें 2024 में अगर हम जनता के बीच में जाएंगे जनता हमसे पूछेगी केजरीवाल जी आपको क्यों वोट दें तो हमें उनको एक एजेंडा देना है कि इसलिए वोट दो क्योंकि हम देश को इस तरह से तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे वो देश का चुनाव है हम इस तरह से आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे हम इस तरह से रोजगार पैदा करेंगे हम इस तरह से दुनिया को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाएंगे देश को वो एजेंडा जब होगा जनता आपको वोट देगी और उस एजेंडा पे काम चल रहा है अभी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष एक एजेंडा तैयार कर रहा है ऐसा कह रहे हैं केवल विपक्ष नहीं देश की जनता के साथ मिलकर एजेंडा बनाना है हम देश की जनता के साथ आज जितनी चर्चाएं उद्धव ठाकरे जी के साथ हुई इन्हीं मुद्दों के ऊपर कि देश की क्या समस्या है इस समय एक आम आदमी किन चीजों से जूझ रहा है उनके समाधान क्या हैं हमें देश की जनता की समस्याओं की और समाधान का जिक्र करना है ये तो फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ चला सकता केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष अगले चुनाव का एजेंडा बना रहा है एक सौ तीस करोड़ लोग मिलकर एजेंडा बना रहे हैं मैंने फिर से आपको कहा विपक्ष मिलकर इस देश को इस किसी को हरा जिता नहीं सकता जनतंत्र के अंदर जनता हराती है और जनता जिताती है हम लोग मिलके एक एजेंडा बनाएं सब लोग और एजेंडा को जनता के सामने रखें जनता को एजेंडा और एजेंडा भी जनता बनाए मिलके जनतंत्र के अंदर एजेंडा भी जनता को बनाना चाहिए मैं मान लीजिए दिल्ली में चुनाव लड़ता हूँ दिल्ली का एजेंडा अलग होगा मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता हूँ मध्य प्रदेश का एजेंडा अलग होगा कौन तय करेगा वहां की जनता तय करेगी जी तो इसमें यह भी तय होगा कि कौन नेता बनेगा कि वो सब बाद में चीजें आएंगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो जनता पे छोड़ दीजिए इंपॉर्टेंट है क्या हमारे पास देश को शक्तिशाली देश बनाने के लिए सुरक्षित देश बनाने के लिए विकसित देश बनाने के लिए क्या हमारे पास एक रोड मैप है उस रोड मैप को बनाना जरूरी है जी आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आइडियाज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आपका जो भारत होगा उसमें आप किस तरह के आइडियाज देखते हैं किस तरह का भारत आप देखना चाहते हैं मैं भारत को लेकर बहुत अपबीट हूं पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए इन पचहत्तर सालों में ढेर सारे ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए सिंगापुर 1962 के आसपास आजाद हुआ। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था एटम बम गिरा था जापान के ऊपर आज वो हमसे आगे निकल गया सिंगापुर हमसे आगे निकल गया जर्मनी तहस नहस हो गया था वो हमसे आगे निकल गया हम पीछे क्यों रह गए हमारे में कोई कमी है आज दुनिया में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा लो वही है टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा मिलेगा मैं कहता हूं कि जब ऊपर वाले ने इस धरती की धरती बनाई पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह उसने पृथ्वी के ऊपर भारत को बनाया क्या नहीं दिया हमें सारी नदियां हैं पहाड़ हैं मिनरल्स हैं सब कुछ दिया सारी जड़ी बूटियां हैं खेती है सब कुछ है सारी फसलें हैं और जब भारत ने इंसान को भगवान ने इंसान को बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए हमारे लोग जहां जाते हैं वहीं ऊपर पीछे क्यों रह गए फिर हम लोग हमारे देश की राजनीति खराब है हम एक दूसरे कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं तो मुझे लगता है कि अगर हम सारा 130 करोड़ लोग मिलकर काम करें तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे मैं पूरी तरह से कन्फ मैं से, वो हूँ पूरी तरह से विश्वास है मुझे कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया और आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया को के ऊपर राज करेगा भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा अरविंद केजरीवाल आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए सीधे जवाब दिए विस्तार में जवाब दिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच